हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सब लोग शानदार मजेदार धमाकेदार होंगे। तो यहाँ पे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी की तरफ से क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जो आज के दिन 30 नवंबर को जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है उसमें यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले, और यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले सारी क्रिप्टो करेंसी बिल रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है सारी अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले जाएगी। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्विकली यहां पे देख लेते हैं रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी बिल। तो यहां पे मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पूरा वीडियो जो है 2 मिनट्स का वीडियो है जहां पे निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो मैंने 2 मिनट का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे बता दिया है, लेकिन मैंने यहां पे एक शॉर्ट में नोट भी बना के रखी है क्या क्या डिस्कस हुआ उसके बारे में क्विकली बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज है, लास्ट टाइम मतलब फरवरी 2021 में जो बजट सेशन था उसमें भी यहां पे गवर्नमेंट ने जो लिस्ट ऑफ बिल्स था उसमें यहां पे इन लोगों ने प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके बाद यहां पे ये बिल इंप्लीमेंट में नहीं आया, यहां पे लोकसभा के सामने उन लोगों ने प्रपोज नहीं किया। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि यहां पे बिल में काफी सारी नई चीजें वो लोग ऐड करना चाहते थे, अदर डाइमेंशंस देखना चाहते थे। साथ में यहां पे अभी ये लोग जो बिल लाए हैं वो रीवर्क्ड बिल है, इसका मतलब ये एक नया बिल है और यहां पे जो प्रीवियस बिल है उसमें से सारी चीजें डेफिनेटली उन लोगों ने यहां पे ली है, साथ में कुछ नई चीजें भी ऐड की है। तो ये उन्होंने एक आंसर दिया है। साथ में फार मोर लास्ट टाइम भी इनका इंटेंट था, लास्ट टाइम भी ये लोग क्रिप्टो करेंसी पे एक रेगुलेशन लाना चाहते थे बट यहां पे नहीं ला पाए। क्यों? बिकॉज यहां पे उन लोगों को काफी सारी और चीजें उसमें ऐड करनी थी, जो सारी चीजें अभी यहां पे ऐड हो चुकी है। तो उन्होंने यहां पे ये बोला है कि जैसे ही यहां पे कैबिनेट की तरफ से अप्रूव होता है वो यहां पे हाउस के सामने वो प्रेजेंट करेंगे, और जैसे ही यहां पे हाउस में वो बिल पास होता है तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन इंडिया में लाया जाएगा। दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव फॉर क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर इन इंडिया। साथ में दूसरी चीज, यहां पे एक क्वेश्चन आया था कि काफी सारी एक्सचेंजेस जो टीवी में सोशल मीडिया पे जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करती है रिगार्डिंग क्रिप्टोकरेंसी, तो उस पे गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। तो यहां पे निर्मला सीतारमन जी ने यह बोला है कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनकी जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को यहां पे फॉलो किया जाएगा। डेफिनेटली दिस इज वेरी ह्यूज, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। तो यहां पे क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन के बारे में जो भी अर्जेंट अपडेट्स आती है आज के दिन में तुरंत ही, जैसे ही अर्जेंट अपडेट पार्लियामेंट में कुछ भी होता है तुरंत ही आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा। यू शुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आज का वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।